दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े सितारों में शुमार होने वाले सलमान खान अपने बजरंगी भाईजान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितनी कंट्रोवर्शियल सलमान खान की रियल लाइफ रही है, उससे कहीं ज़्यादा इनकी रियल लाइफ कंट्रोवर्शियल रही है। तभी तो आज भी इस सुपरस्टार पर अनेकों कोर्ट केसेस चल रहे हैं। उन्हीं में से एक केस है ब्लैक बक केस, या यह कहें काले हिरन का शिकार। जी हाँ दोस्तों, ये बात सितंबर अक्टूबर 1998 की है, जब सलमान खान अपने को स्टार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्री और नीलम अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। इसी फिल्म के दौरान 1 अक्टूबर 1998 को सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने रात के 2 बजे के करीब 2 काले हिरन का शिकार किया है। सलमान खान पर आरोप है कि वो जिप्सी में वहाँ गए थे, जिसको वही चला रहे थे, और सैफ अली खान आगे बैठे थे और बाकी सभी को स्टार्स जैसे नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्री और गाइड दुष्यंत सिंह पीछे बैठे थे। बाकी स्टार्स पर सलमान को उकसाने का आरोप है। रात 2 बजे के करीब 2 काले हिरन को मारने के लिए उनकी गोली चलाने की आवाज़ सुनते ही गाँव वाले जाग गए थे, और गाँव वालों के मुताबिक उन्हें देख कर सभी स्टार्स वहाँ से भाग बैठे थे। इसी मामले में जोधपुर सीजीएम कोर्ट में सलमान खान और बाकी स्टार्स के खिलाफ मुकदमा डाला गया, और इसी सिलसिले में सलमान खान को आज से करीब 20 वर्ष पहले 20 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा था। बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए थे। आज के दिन भी जोधपुर सीजीएम कोर्ट में सलमान खान और बाकी स्टार्स पर इसी मामले में फैसला सुनाया गया, और जोधपुर सीजीएम कोर्ट ने सलमान खान को इस मामले में दोषी पाया और वहीं बाकी सभी को स्टार्स को बरी कर दिया। साथ ही में गाइड दुष्यंत सिंह, जो कि उन्हें वहां ले गए थे, को भी बरी कर दिया। हालिया मिली खबर के मुताबिक सलमान खान अभी इस समय काफ़ी गहरे सदमे में हैं। उनके साथ उनकी दोनों बहनें भी कोर्ट परिसर में ही मौजूद थीं। अगर सलमान खान को 3 साल से कम की सज़ा होती है तो वो आज ही इसी कोर्ट से जमानत पा लेंगे, लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा सज़ा होने पर सलमान खान को निश्चित रूप से ही जेल जाना पड़ेगा, और इस मुकदमे में कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। दोस्तों, अब यह देखना है कि आगे सुपरस्टार की लाइफ में और क्या क्या होता है। हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें।